और आइए करते हैं देश हित की शुरुआत। जैसे जैसे 5 अगस्त नजदीक आ रही है, कश्मीर पर पाकिस्तान का पेट दर्द बढ़ता जा रहा है। भारत से वार्ता के लिए शर्त रखने वाला पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। इधर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को भारत से सीधे वार्ता करने की कोशिश करते रहने की नसीहत दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान इस दर्द से बेहाल है कि अब अमेरिका भी भारत की भाषा बोलने लगा है। पाकिस्तान में एक्सपर्ट इसी मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को लगता है भारत के पीएम मोदी अब कश्मीर पर बात नहीं करेंगे और क्यों वो अपने हुक्मरानों के बारे में बार बार भारत के सामने वार्ता के लिए गिड़गिड़ाने को फिजूल बता रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको अनेक न्याय भी देता है। शहबाज जाते जाते भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाए तो अमेरिका ने साफ कह दिया, खुद बात कर लीजिए। अब पाकिस्तान में तूफान आ गया है। एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका भी इंडिया के इशारे पर काम कर रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए मोदी अब कश्मीर पर तो बात नहीं करेंगे। वैसे पाकिस्तान से बात हुई तो किस पर होगी, ये भारत की तरफ से महीने दो महीने में एक बार बता ही दिया जाए। आगे भी जो बातचीत होगी किस मुद्दे पर बातचीत होगी, अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। फिलहाल पाकिस्तान को सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि दुनिया का चौधरी बनने वाला अमेरिका क्यों अब भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ना चाहता। पाकिस्तान के पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अमेरिका के बयान को डिकोड कर रहे हैं। पाकिस्तान में चर्चा है, भारत अमेरिका की बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने अमेरिका में मोदी के मान सम्मान और रुतबे की तस्वीरें देखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रुतबे में फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को वॉशिंगटन में भारत का बढ़ता प्रभाव साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी भारत में जम्मू कश्मीर के विकास की तस्वीरें रोज देखते हैं। आम पाकिस्तानी मान चुका है अब भारत के जम्मू कश्मीर को भूलकर पीओके को बचाने की तरकीबें तलाश करनी चाहिए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं भारत इतना मजबूत हो चुका है कि कश्मीर पर बातचीत नामुमकिन है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं आज के पाकिस्तान की हैसियत ही नहीं कि वो भारत के सामने बैठकर बात कर सके, यही वजह है बातचीत की सारी मिन्नतें भारत खारिज कर देता है। और रही बात अमेरिका की तो पाकिस्तान ये भी मान चुका है अब अमेरिका जो कुछ करेगा भारत के इशारे पर ही करेगा। ऐसे में पाकिस्तानी अमेरिका से कोई उम्मीद ना पाले तो ही बेहतर होगा। कुल मिलाकर शहबाज की बातचीत की अपील का पाकिस्तान में जमकर मजाक उड़ रहा है और अब पाकिस्तानी मान चुके हैं भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता, दुश्मनी या दोस्ती, जो कुछ तय करना है वो मोदी को ही तय करना है। पाकिस्तानियों की नजरों में पाकिस्तान के वजीर सिर्फ बयान लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय वायुसेना को एक नया कारगर और अचूक हथियार मिल गया है। इसराइल से एक मिसाइल खरीदी गई है जिसकी मदद से दुश्मन के मजबूत टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट किया जा सकेगा। इस खासियत की वजह से इस टैंक को किलर टैंक यानी टैंकों को ध्वस्त करने वाला हथियार कहा जाता है और अब चीन पाकिस्तान के खिलाफ ये मिसाइल तैनात हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के नए टैंक किलर से दुश्मन थर्रा रहा। वायुसेना को इसराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की पहली खेप मिल गई है। इन मिसाइलों की रेंज 30 किलोमीटर तक है और इन्हें हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। वायुसेना इन्हें अपने Mi-17V हेलीकॉप्टरों में लगाने की तैयारी कर रही है। स्पाइक मिसाइल पहाड़ के पीछे छुपे हुए दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों या उसके ठिकाने को बहुत आसानी से तबाह कर सकती है। स्पाइक मिसाइल से लैस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और उसके बंकरों के लिए सबसे जबरदस्त दुश्मन साबित होंगे। स्पाइक मिसाइल की कामयाबी की वजह है रेंज, रफ्तार और निशाने तक पहुंचने की इसकी जबरदस्त काबिलियत। स्पाइक मिसाइल से दुश्मन के टैंकों के अलावा उसके कमान बंकर, संचार केंद्र और रडार केंद्रों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। लंबी रेंज के कारण
मिसाइल को फायर करने के लिए निशाने के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस मिसाइल में बेहतर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के कारण निशाने को अच्छी तरह देखा जा सकता है। इससे तेज गति से भागते हुए निशाने पर या खराब मौसम में भी निशाने पर अचूक वार किया जा सकता है। स्पाइक मिसाइल को इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है और यह स्पाइक मिसाइल के सबसे एडवांस वेरिएंट में से एक है। इस मिसाइल का पूरा नाम है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, यानी ये दिखाई देने वाली दूरी से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। हमले के लिए लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल अपने कंट्रोल रूम तक लाइव वीडियो भेजती है, यानी हमले के दौरान किसी भी वक्त मिसाइल को किसी दूसरे टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है या फिर हमले को कैंसिल किया जा सकता है। और स्पाइक की इन्हीं खूबियों की वजह से इसे खरीदने का फैसला भारत ने 2019 में किया था। दोबारा इन मिसाइलों में भारत की दिलचस्पी तब बढ़ी जब चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव की स्थिति थी। तब चीन ने बड़ी तादाद में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नियंत्रण रेखा के पास तैनात कर दिया था और उनसे निपटने के लिए भारत ने इन मिसाइलों की इमरजेंसी खरीद का प्रस्ताव दिया था। वायुसेना भी कई तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन उनमें से किसी भी रेंज इस स्पाइक जितनी नहीं है। यहाँ तक कि अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर में लगी हेलफायर मिसाइलों की रेंज भी 11 किलोमीटर तक ही है। भारतीय वायुसेना स्पाइक मिसाइल को अपने Mi-17V हेलीकॉप्टर में लगाएगी, जिनका इस्तेमाल वो लंबे अरसे से कर रही है। Mi-17 हेलीकॉप्टर रूसी मूल का परिवहन हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेनाओं के लिए काफी कारगर साबित हुआ है। भारतीय वायुसेना भी पुराने सोवियत Mi-35 के अलावा अमेरिका से खरीदे गए अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर ALH में हथियार लगाकर बनाया गया रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी वायुसेना के पास है। इसके अलावा पिछले साल पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय वायुसेना को मिल चुका है। इन हेलीकॉप्टरों में अमेरिकी हेलफायर के अलावा स्वदेशी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, पर स्पाइक की मार इन सबसे ज्यादा दूरी तक है। स्पाइक फैमिली की मिसाइलों को भारतीय सेना पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। स्पाइक मिसाइल के एक पोर्टेबल वेरिएंट का इस्तेमाल भारतीय सेना ने 2019 के बाद से शुरू किया। ये वेरिएंट करीब 4 किलोमीटर तक दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट कर सकता है। स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल इसराइल समेत दुनिया के कई देशों की सेनाएं करती हैं। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान की सीमा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़े तनाव के बीच भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत स्पाइक की खरीदी की थी। अब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में लगने के बाद स्पाइक का वार और ज्यादा घातक हो जाएगा। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो भारतीय सेना के इस टैंक किलर से देश के दुश्मन थरथरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कल से लेकर आज तक दो बड़ी खबरें आईं और दोनों के टारगेट पर है बीजिंग। बड़ी बात यह है कि दोनों न्यूज में भारत की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संदेश है, जिससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और भारत के बारे में अच्छी खबर आते ही सीमा पार इस्लामाबाद की चिंता बढ़ गई है। 24 घंटे में चीन पर दो बार हथौड़ा बरसा। पहले भारत के मुकाबले चाइना की रेटिंग घटी और फिर इंडिया ने चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए जिसने चीन की इकोनॉमी के सामने रेड सिग्नल लगा दिया है। सबसे पहले देखिए कि दिल्ली ने बीजिंग के सपनों पर कैसे बम गिराया। भारत सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के इंपोर्ट पर तत्काल बैन लगा दिया है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ज्यादातर चीन से इंपोर्ट किए जाते थे। इस फैसले के साथ सरकार ने देश में ही लैपटॉप और कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इस फैसले से चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मुश्किल में है और ये देखकर इस्लामाबाद की चिंता बढ़ रही है। शायद चीन की कमाई घटने से पाकिस्तान को लोन पर संकट का डर सता रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर सरकार बदलने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर नया चेहरा आ सकता है। इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने समय से पहले 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने का ऐलान किया है। शहबाज ने अपने मिनिस्टर्स, टीम और सांसदों के साथ मिलकर यह फैसला किया है। इसके बाद विपक्ष से चर्चा करके 3 दिन में केयर टेकर पीएम का नाम तय किया जाएगा। 12 अगस्त को पाकिस्तान की मौजूदा असेंबली का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे 3 दिन पहले ही शहबाज इसे
भंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक समय से पहले असेंबली को भंग करने पर 90 दिनों में चुनाव कराना अनिवार्य है। और इसी के साथ देशहित में हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए अंजू ने क्यों कहा कि वो पाकिस्तान की दीवानी है। जल्द लौटेंगे, देखते रहिए देशहित। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू निकाह करने के बाद पाकिस्तान के रंग में रंगती जा रही है। उसे पाकिस्तान की हर बात पर प्यार आ रहा है और भारत से जुड़ी हर चीज से चिढ़ हो गई है। अंजू पाकिस्तानी मीडिया के लिए सेलिब्रिटी बन गई है और पाकिस्तान से मिल रहे तोहफों की आस में खुद को पाकिस्तान की दीवानी साबित करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान 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 के तोहफा 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 के बाद अंजू के मुंह से सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान ही सुनाई पड़ रहा है। पाकिस्तान अंजू को इतना रास आ रहा है कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में मौजूद उसका परिवार उसे फूटी आंख नहीं सुहा रहा और पाकिस्तान की मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त हिंदुस्तान की मीडिया को भी अंजू खरी खोटी सुना रही है। अंजू पाकिस्तान को अपना पहला प्यार बता रही है, लेकिन खुद अंजू ने पाकिस्तान की मीडिया में खुलासा किया कि नसरुल्ला भारत से आई उसकी पहली वीडियो कॉल के बाद डर गया था और अब नसरुल्ला बड़ी खुशी खुशी पाकिस्तान की मीडिया को बता रहा है कि उसने नहीं बल्कि अंजू ने उसको पहला वीडियो कॉल किया था। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी चौंक गई कि अंजू हिंदुस्तानी को पाकिस्तान इतना रास क्यों आ रहा है। जवाब में अंजू ने अपना पाकिस्तान प्रेम कैमरे के सामने उड़ेल कर रख दिया। अंजू के मुताबिक नसरुल्ला ने उसको पाकिस्तान दिखाया और वो पाकिस्तान ही चली आई। अब पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि अंजू आई तो नसरुल्ला की लॉटरी लग गई। तो फिलहाल पाकिस्तान अंजू पर और अंजू पाकिस्तान पर जमकर प्यार उड़ेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का रंग बदलते देर नहीं लगती, ये बात अंजू को भी ध्यान रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े फैसले आए जिसका असर आगे चलकर और बड़े होने के आसार हैं। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने और हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस बीच आज ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने 9.25 घंटे तक सर्वे भी किया। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसे राहुल गांधी और कांग्रेस की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बात सबसे पहले ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सर्वे के फैसले की करते हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही एएसआई को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हिस्से को नुकसान न पहुंचे। जाहिर है सत्य की खोज में हो रहा सर्वे महीने भर तक जारी रहेगा। एएसआई अपनी रिपोर्ट निचली अदालत को सौंप देगा। देखना यह है कि सर्वे से सत्य कब तक बाहर आएगा। सत्य की खोज जारी, कण कण का सच आएगा बाहर। सर्वे, सबूत, सत्य और सुप्रीम कोर्ट। यहां 41 एएसआई के अधिकारी वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही सत्य की खोज में जुट गए। जुमे की नमाज पढ़ने वालों का भी पूरा ध्यान रखा गया। एएसआई के अधिकारियों ने शुरुआत यहां नक्शा तैयार करने के साथ की। पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। इस दौरान हिंदू पक्ष के 8 लोग मौजूद रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले तक सत्य की खोज से मुस्लिम पक्ष ने दूरी बनाए रखी। दोपहर होते ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की। मुस्लिम पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि ये सर्वे 500 साल पुराने अतीत को कुरेदने जैसा होगा, ये पुराने जख्मों को कुरेदना होगा। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कल आप अपने केस में जीत जाते हैं तो इस सर्वे की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, ये महज एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सर्वे को जारी रहने दिया जाना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने आगे कहा कि हिंदू पक्ष की दलील है कि सैकड़ों साल पहले वहाँ स्ट्रक्चर था, पर हमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखना होगा क्योंकि ये सुनिश्चित करता है क्योंकि हम अतीत को नहीं कुरेदें। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि एसआई ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि कोई खुदाई नहीं होगी, जीपीआर जैसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। एएसआई खुदाई जैसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इमारत का नुकसान हो।
जवाब में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी, ये पूरी कवायद अतीत को कुरेदने जैसी है। इस पर हिंदू पक्ष ने साफ कहा कि सर्वे न्याय के हित में है, हिंदू धर्म के प्रतीक वहाँ साफ नजर आते हैं, केस तार्किक अंजाम तक पहुँच सके इसके लिए जरूरी है कि सर्वे हो। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है, और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं, वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। हालांकि कोर्ट में बिना नाम लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का भी जिक्र आया जिसमें उन्होंने ज्ञान वापी को लेकर बड़ी बात कही थी। हालांकि एएसआई सर्वे की सफलता के लिए काशी में दुग्धाभिषेक भी किया गया है। इस बीच संत समाज और मौलानाओं में तीखी बहस अब भी जारी है। हिंदू हमेशा मानवतावादी रहा और हमेशा संविधान के रास्ते पर चलता रहा, और संविधान का राह कठिन भले हो, थोड़ी देर भले हो, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। क्या सर्वे किया जाएगा उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि एएसआई ने इस बात का हलफनामा दिया है कि वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक तहखाने के अंदर मलबे के लिए मशीन लगाई जाएगी। काशी की गलियों में अब इसी बात की चर्चा है कि सर्वे का काम कब पूरा होगा और कितना सच सामने आएगा। जो भी सर्वे होगा, जो अंदर शिवजी का त्रिशूल है, शंख, जितना भी मिल रहा है, वो सब निशानी जो है वो बाबा की है, और मंदिर ही बनेगा वहाँ पे। सर्वे तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन इसका निर्णय निकलना चाहिए। अब देखना यह है कि ज्ञान वापी पर शिव की प्रामाणिकता को चुनौती देने के बाद कब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल हमारे यान ने चंद्रमा तक की लगभग दो तिहाई दूरी तय कर ली है और कल शाम 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। कुछ और जानकारी आपको देते हैं। इस प्रोसेस को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी LOI कहते हैं। ये चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए एक तरह का एडजस्टमेंट होता है। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान को सही तरीके से पहुंचाना एक जटिल प्रक्रिया है। चंद्रयान इसके लिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करेगा और चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद अगले 18 दिनों तक चंद्रयान उसका चक्कर लगाएगा। हालांकि चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए 17 अगस्त को चंद्रयान का लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और 6 दिन बाद यही लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान अभियान पर पूरी दुनिया की नजर है। चंद्रयान की लैंडिंग होने से पहले ही चंद्रमा पर पहुंचने की रेस शुरू हो गई है। इसमें आगे आगे चंद्रयान 3 है और पीछे पीछे रूस और अमेरिका भी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश में है। चंद्रयान 3 के बाद दुनिया में मून मिशन लॉन्च करने की रेस शुरू हो गई है। इस रेस को लीड कर रहा है हमारा चंद्रयान और इसके पीछे आ रहे हैं बड़े बड़े देश। भारत के साथ दुनिया के तमाम विकसित देश साउथ पोल में ही अपने ज्यादातर मून मिशंस प्लान कर रहे हैं। दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और रूस चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिशों के बीच भारत का चंद्रयान बेहद कम बजट में ही चांद पर लैंडिंग करने वाला है। जिस वक्त चंद्रयान चांद की कक्षा में होगा उसी समय रूस भी अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लॉन्च करेगा। अगस्त के महीने में ही रूस अपने स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को चांद पर भेजने जा रहा है। खबरों के मुताबिक 10 से 12 अगस्त के बीच रूस अपने इस मिशन को लॉन्च कर देगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा के जिस साउथ पोल पर भारत का चंद्रयान उतरने वाला है उसी जगह पर रूस का लूना 25 भी लैंडिंग की कोशिश करेगा। चंद्रयान की तरह लूना 25 भी साउथ पोल की मिट्टी और दूसरे कंपोनेंट्स की स्टडी करेगा। चंद्रयान की तरह लूना 25 में भी सोलर पैनल्स लगे हैं जो चांद की सतह पर सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पैदा करेंगे। रूस का आखिरी लूनर मिशन साल 1976 में शुरू हुआ था। अब 47 साल बाद एक बार फिर से रूस चांद पर अपना मिशन लॉन्च करने जा रहा है। स्पेस सेक्टर के कमबैक के लिए रूस ने चांद के उसी साउथ पोल को चुना जहां भारत जा रहा है। और सिर्फ यही मिशन नहीं, रूस के आने वाले कई स्पेस मिशंस साउथ पोल में होने वाले हैं। 2 साल बाद लूना 26 भी साउथ पोल इलाके में लैंड करेगा।
उसके एक साल बाद लूना 27 भी साउथ पोल में ही पहुंचेगा। चंद्रमा का साउथ पोल धरती के लोगों के लिए बेहद अहम है। उम्मीद की जा रही कि इस क्षेत्र में फ्रोजन वाटर यानी जमा हुआ पानी मिल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भी इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। 2025 में नासा साउथ पोल में अपना पहला ह्यूमन मिशन आर्टेमिस 3 लॉन्च करेगा, यानी पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी इंसान को उतारने की प्लानिंग है। अगर अमेरिका का ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो 51 साल बाद पहली बार चांद पर किसी इंसान के कदम पड़ेंगे। आखिरी बार साल 1972 में अमेरिका ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। अमेरिका के मून मिशन के लिए चंद्रयान 3 का सफल होना बेहद जरूरी है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो डेटा चंद्रयान भेजेगा उससे नासा को अपने मिशन में भी मदद मिलेगी। तो फिलहाल चंद्रमा के साउथ पोल की रेस दिलचस्प हो गई है। एक तरफ बड़े बड़े देशों के महंगे मिशंस हैं, तो दूसरी तरफ कम बजट में ही इसरो साउथ पोल पर भारत की छाप छोड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।